हाथ हर पीड़ित के लिए थाम। सर उठाकर चलेंगे हम, हंसते हुए जीत लेंगे। जितने भी हो सितम, कदम पीछे नहीं हटेंगे। नेकी, अच्छाई, इंसानियत, सहानुभूति, यही तो है अपने चारों धाम। मुंबई, आपके साहस को सलाम। 26 नवंबर 2008, ये वो तारीख है जो कोई भी हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता। इस दिन न जाने कितने मासूमों की जान चली गई एक आतंकी हमले में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसी वेब सीरीज की टीम जिसने इसी टॉपिक को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज बनाई है। तो हमारे साथ है मोहित, नताशा, मृन्मय और सत्यजीत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 इंडिया पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपके सामने कोई टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का कोई इंसान आता है तो आप उनसे क्या बोलेंगे? वो हमें बोलने का मौका देंगे नहीं। Exactly. But as far as this particular story, Mumbai Diaries 2611 is concerned, just जैसा कि मैं थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूंगा कि ये बैकड्रॉप जो है वो 26/11 का है, उस रात को जो इवेंट हुआ था उसका बैकड्रॉप है। बट हमारी बेसिक कहानी जो है वो डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स को हमने कहानी को के लिए बनाई है हमने। आई प्ले डॉक्टर कौशिक ओबराय, हु इज अ ट्रॉमा सर्जन, और नताशा दिया मिर्जा प्ले करती हैं, सॉरी दिया मिर्जा बोल रहा हूं, दिया पारिक प्ले करती हैं। ही प्लेज आर मिर्जा एंड शी प्लेज सुजाता। सो आई गेस ऑल ऑफ अस आर प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स और ऑल मेडिकल वो मिर्जा सब फटर्निटी के लिए है ये कहानी, अभी पहले दिखाई नहीं गई है। सो आई गेस दिस इज समथिंग व्हिच शुड हैव बीन टोल्ड वे बैक, बट फॉर्चुनेटली अभी तक किसी को मौका नहीं मिला था। आई थिंक वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमको निखिल अडवाणी सर ने मौका दिया सबको टू बी ए पार्ट ऑफ हिज विजन। राइट, मोहित आप ने सीरियल किया हुआ है देवों के देव महादेव, एंड अब आप ये वेब सीरीज कर रहे हैं विच इज अबाउट डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स को भी कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली आई थिंक ये रीइंफोर्स कर दिया है स्टेटमेंट को का विश्वास सब में कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। जो हमने ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेटली नोबडी शुड गो थ्रू दैट, बट हमने खुद COVID-19 के पैंडेमिक में देखा कैसे सबकी जान बचाई है, सबका सबके साथ मिलकर काम किया है और उन्हें ठीक किया है। पर्सनली मेरे लिए डेफिनेटली वो भगवान का ही रूप है, बिकॉज मैं जिन डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीट किया था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू COVID-19, आई वाज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट अ मंथ। बट आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि मैंने उन डॉक्टर्स का चेहरा आज तक नहीं देखा। आई डोंट नो हाउ दे लुक लाइक बिकॉज दे वर ऑल वेयरिंग पीपी सूट्स। सो आई थिंक दिस इज जस्ट देयर सेल्फलेस वर्क जो वो लोग कर रहे हैं, and I think we can only show gratitude towards them through our work. Absolutely. Through our work, through particularly through this series. Right. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बहुत बड़ा एक responsibility मिली है और एक privilege है। बिल्कुल। और बिल्कुल। कि हम medical fraternity को represent कर सके as actors, क्योंकि हम बस actor हैं, वो जो किरदार निभा रहे हैं। लेकिन I just hope जब जनता ये show देखे तो उन्हें ये समझ आए कि जो medical workers होते हैं, जो hospital में काम करते, सबसे ऊंचे तबके से लेकर नीचे तबके, हायरार्की जो है सारी, दे ऑल गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, अ लॉट ऑफ मिजरी, अ लॉट ऑफ इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू पर्सनल ट्रेजेडीज, क्योंकि हर किरदार जो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से है, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कास्ट, रिलीजन, जो भी आप कह लें, लेकिन सबकी अपनी खुद की तकलीफें हैं। लेकिन जब कोई त्रासदी आन पड़ती है लोगों पर, तब वो डट के खड़े रहते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली, और आई थिंक आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर दैट यूनिवर्स को, निखिल अडवाणी को, अमेजोन प्राइम वीडियो को, और सारे कलाकारों ने, लेखकों ने, टेक्नीशियंस ने, सब ने दिल लगा के। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारतीय सीरीज है लेकिन ये किसी इंटरनेशनल लेवल के किसी भी काम से कम नहीं है। आई कैन वाउच फॉर दैट। आई एम श्योर बिल्कुल। तो फिर ये जो वेब सीरीज है इस पे किस तरह के चैलेंजेस आप लोग ने फेस किए इसको शूट करते टाइम? I think challenges Rinmay, would you like to?
मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू लर्न द वर्ड्स मेडिकल टर्म्स, क्योंकि ये सब चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए थी. अगर कुछ भी गलत करे तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे. तो 24/7 सेट पे एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर शेख, जो खुद जिन्होंने खुद भी जब 26/11 का अटैक हुआ था तब उन्होंने लोगों को ट्रीट किया था. वो वहां पे थे, ताज होटल में थे, तो उनकी बड़ी हेल्प रही है सारी प्रोसीजर्स में. क्योंकि बड़े बड़े शॉट्स से, लॉन्ग शॉट से, वन टेक, वन शॉट, काफी चीजें हमने शूट की है, तो वो दिक्कत थी हमारे लिए. बट अदरवाइज जो तैयारी हमसे करवा के ली थी निखिल ने भी, या फिर पूरे एडीज के टीम ने भी, प्रोडक्शन जैसे तैयार था सारी चीजों के लिए, तो बाकी कुछ डिफिकल्ट था नहीं. अच्छे खासे रीडिंग्स किए थे. मतलब मुझे एक बात रियलाइज हुई मुन्ना के बोलने से जो अभी तक हमें समझ नहीं आई थी. वैने वो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, लंबे लंबे जो टेक्स होते हैं उसकी, लेकिन जब भी एक कट होता है तो टेंशन टूटता है. लेकिन जब ये 5-5, 6-6 मिनट के टेक्स चलते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट देयर यूज्ड टू बी 50-60 जूनियर आर्टिस्ट्स, जिनका हर एक अपने हर एक व्यक्ति का अपना किरदार था. रोज उनको वो प्रोस्थेटिक लगते थे क्योंकि एक कंटिन्यूटी थी. तो आप एक पूरे इवेंट को फॉलो करते हैं, किसी एक व्यक्ति की कहानी को, कि अगर वो नताशा से वो मोहित पे आया, मोहित से वो मृणमयी पे गया, मृणमयी से वो श्रेया पे गया, जितने भी अलग अलग किरदार, तो वो टेंशन नहीं टूटता है. आई थिंक ये खासियत है शो की, कि आपको ये एज ऑफ द सीट, यानी थिएटर में तो नहीं, अपने घर के सोफा में या वेयर एवर यू सिटिंग, वो एक उत्सुकता बनी रहेगी कि आप उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि देयर इज नो कट, सो द टेंशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग बिल्ट अप, एंड वो आपको उस कहीं ना कहीं जोन में लेके चला जाता है टेक्निकली. Well, I'll just add up by saying कि ये जो सीरीज है वो आई थिंक 40-50 डेज के ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में शूट हुई है. बट जब आपकी एक कहानी जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम स्पैन में बेस्ड हो, तो आपके चैलेंजेस अलग होते हैं. सो मैंने इस सीरीज में ये चैलेंज फेस किया था कि बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 nights, 3 days, सो यू हैड टू मेंटेन वेयर यू लेफ्ट फ्रॉम, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव अ लिबर्टी ऑफ you know, going on with the emotion. Correct. Because time hota hai aapke paas. But is kahani mein time nahi tha, because it is a limited span of ek raat ke event pe ye kahani based hai. So you had to always start from where you left. Emotional continuity. Emotional. Yeah. Yeah. So that was very challenging. Okay. Continuity was a difficult thing, kyunki ब्लड है आपके कपड़ों के ऊपर, कुछ फटा है, फटा है, then you have to maintain exactly. जी. एक आप तीसरे दिन जी जी जी. अच्छा. तो कई बार. ओके. ऑन अ लाइटर नोट, आप में कौन ऐसा था जो बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था? मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन नहीं, नॉट एक्चुअली नो, माय मदर इज अ डॉक्टर, बट मेरे पे कभी वो प्रेशर था नहीं कि डॉक्टर ही बनना है, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी. I just want to know, आप एक दूसरे के बारे में बताइए, अगर आप सब डॉक्टर्स एक्चुअली होते तो किस चीज के डॉक्टर होते, एक दूसरे के बारे में आप बताइए. साइकियाट्रिस्ट होते. मैं दिल का डॉक्टर होता. मैं दिमाग की. लाइटर नोट पे, आप होते डॉक्टर होते मोहित, आप डेंटिस्ट होते. डेंटिस्ट का लोगों की स्माइल का ख्याल रखता है. आई थिंक दांतों को काटने में मुझे बहुत मजा आता है. आप किस चीज का? डर्मेटोलॉजिस्ट. अरे हां, बिल्कुल नताशा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. हमने ओके ओके. वन मोर थिंग, अच्छा, वेब सीरीज या सीरियल्स और फिल्म्स, इन तीनों में अगर एक आर्टिस्ट की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउ वुड यू रैंक? It's a very personal take, I guess. और काम तो सब में अच्छा ही करना पड़ता है ना. हाँ, वो अगर आप काम किसी में भी गंदा करोगे तो आपको अगला काम नहीं मिलने वाला. तो खाली माध्यम बोलते हैं ना, वो अलग अलग है, लेकिन काम तो सब प्लेटफॉर्म जो भी हो, I mean, talent is talent, और अगर आप if that you can only show it अपने काम से, तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अपना यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. I would like to just add one thing, कि कुछ कहानियां होती हैं जो आप 2 घंटे में कह सकते हैं, कुछ कहानियां होती हैं जो इनफाइनाइट जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियों को वो 8-9 एपिसोड, 6-7 एपिसोड का एक वक्फा चाहिए होता है, जिसमें आप तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकें. तो वो उस बीच का जो एक मीडियम है, वो OTT, आई थिंक दैट इज द बेस्ट फॉर इट. आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करता हूँ. आई थिंक ये डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ क्या है आपके लिए पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग, ये उस पर डिपेंड करता है. डू यू रियली थिंक कि आप पहले
₹100 कमाते थे, अभी आप 200 कमा रहे हैं, सो इज दैट ग्रोथ? और यू थिंक यू वर इन फिल्म्स फर्स्ट एंड नाउ यू आर इन ओटीटी, इज दैट लाइक नॉन ग्रोथ, और फ्रॉम ओटीटी यू हैव गॉन टू फिल्म्स, इट्स ग्रोथ? इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. पर्सनली फॉर मी, इफ यू आस्क, आई थिंक गेटिंग टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, गेटिंग टू प्ले डिफरेंट शूज ऑल द टाइम, यू नो, गेटिंग इनटू डिफरेंट शूज ऑल द टाइम एंड चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ, यू नो, so I think that is growth. That's nice. Quick solution देना हो कि terrorism कैसे दुनिया से जा सकता है, तो वो क्या होगा? Quickly आप चारों से हम जानना चाहेंगे. Is there a solution? हो सकता है क्या ये? Well, I guess अगर solution होता तो वो अभी तक दे दिया होता किसी ना किसी experienced आदमी ने. हम लोग तो बहुत ही, I mean, layman बोलेंगे हम इस मामले में अपने आप को. I don't think we have much of a say in that. But I guess we should just spread the message of love and peace. That's that's what it should be. Right. Correct. Correct. कोई add करना चाहिए? हाँ, सबको थोड़ा बहुत meditation भी करना चाहिए. That's the point. Yeah, that can help. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर हम लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस वेब सीरीज का, मुंबई डायरीज 2611, जो कि 9 सितंबर को रिलीज हो रही है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच मुंबई डायरीज 2611. बहुत ही शिद्दत, बहुत ही प्यार से बनी है. इट्स फिल्ड विद इमोशंस एंड हार्ड वर्क, एंड आई एम श्योर द इमोशंस यू विल रिलेट टू. प्लीज वॉच ऑल ऑफ अस ऑन 9th ऑफ सितंबर. थैंक यू. थैंक यू. ओके, शुक्रिया, शुक्रिया जुड़ने के. थैंक यू. थैंक यू.